हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लासेस में। तो खैर, आज का हमारा कोई लेसन नहीं है, बट हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक्चुअली जब हम एक बिगनर होते हैं, स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए, खैर मैं बता दूँ, जब हम बिगनर होते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं काफ़ी, मुझसे भी हुई थी और शायद बहुत लोगों से होती हैं, आपसे भी हो सकती है बिल्कुल, और मुझसे तो हुई थी। तो मैं स्पेशली अपने आप को भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, स्पेशली अपने आप को कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो बस जैसे कि कुछ लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उनको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, तो स्पेशली मैंने सोचा एक कुछ थोड़ी सी एक बातचीत कर ली जाए, ठीक है। लेसन तो मैं डालते रहता हूँ, ठीक है, बट एक कुछ बातचीत भी कर ली जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, गलतियाँ मतलब ये होती हैं जब हम बिगनर होते हैं कि हमारे को जल्दबाजी रहती है आगे बढ़ने की, सबको रहती है आगे बढ़ने की जल्दबाजी सबके अंदर, क्योंकि जुनून होता है, जोश होता है आगे बढ़ने का। बट आपने सुना होगा जोश में होश खो देते हैं, तो वैसे ही है कि जुनून होना अच्छी बात है, बट किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना अच्छी बात है। सब है, मैं भी बहुत था, बट उस जुनून में क्या होता है, कई बार हम गलत तरीके से आगे बढ़ने का सोचते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज़ का, बट शॉर्टकट से नहीं होता ये काम है। जितना आप पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, जितना टाइम दोगे, उतना बढ़िया उसका रिजल्ट आएगा, उतना बढ़िया उसका आउटपुट आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी हासिल नहीं करी जा सकती, किसी से नहीं हो सकती, आपसे क्या किसी से नहीं होती। सपोज़ मैं भी जो भी थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ आज, ये ऐसा नहीं कि मैंने बहुत हो गया, बहुत जल्दी प्ले कर लिया, या बहुत जल्दी, जो और भी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि एक महीने, दो महीने, तीन महीने में एक्सपर्ट बन गए, ऐसा नहीं है, वो भी सालों की प्रैक्टिस होती है, हार्ड वर्क, ठीक है, तो वो सबके लिए ज़रूरी होता है। तो स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाई है यही है कि सपोज़ अगर आप कोई सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए राइट हैंड को क्लियर करना। कई बार क्या होता है, हम सब क्या सोचते हैं, मतलब बंदे की गाना सुना और जल्दी से उनका रहता है कि राइट और लेफ्ट हैंड को, राइट और लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन जल्दी से फिट करो, कॉर्ड्स वगैरह निकालो और जल्दी से आगे बढ़ के वो सॉन्ग प्ले करो, बट उसमें आधी चीज़ें गलतियाँ भी होती हैं, और ये गलतियाँ जो है वो आदत बन जाती है, फिर आदत ये ऐसी आदत होती है जो साथ नहीं छोड़ती, मुश्किल होता है उसको हटाना, क्योंकि वो साथ हमारे हमेशा साथ बन जाती है वो आदत, ठीक है, तो फिर ये आदत दिक्कत देगी आगे जाके, ठीक है। तो सपोज़ अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसकी राइट हैंड की मेलोडी एग्जैक्ट निकालने की, चलो एग्जैक्ट नहीं निकल रही बट थोड़ी बहुत 80-90% अराउंड निकल जाए, ठीक है। फिर अगर आपको कॉर्ड्स का आइडिया है, तो आप कॉर्ड्स पहले उसकी कॉर्ड्स फाइंड आउट करने का देखो पहले, फिर लेफ्ट हैंड पे काम करो बस, राइट भूल जाओ पर लेफ्ट के लिए, ठीक है, लेफ्ट से उसकी निकाल लिया आपने कॉर्ड जो भी है, फिर पहले उन कॉर्ड्स पे हाथ बिठाओ एक बार, कि सपोज आपको पता चल गया भाई कि जैसे ए शार्प माइनर है, जी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, अब ये कॉर्ड लग रही है सपोज एग्जांपल के, तो आप पहले इन पे हाथ बिठा लो, क्योंकि क्या होगा जब आप राइट और लेफ्ट हैंड दोनों सब प्ले करोगे, तो फिर आपका ध्यान राइट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइट पे जा रहा है तो लेफ्ट गलत हो गया, लेफ्ट पे दे रहे हो तो राइट गलत हो गया, आपका ध्यान चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, पहले राइट पे काम करो अलग से सेपरेटली, फिर लेफ्ट पे सेपरेटली, दोनों हाथ पे अलग अलग काम करना, एक साथ काम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ सबके अंदर जल्दबाजी है, सबको रहते हैं कि मैं आगे बढ़ना है, सबके अंदर होता है, तो बट वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, आगे जाके दिक्कत दे सकता है। और आजकल जैसे सब लोग हैं कि वो यूट्यूब पे कवर डालने का सोचते हैं, कि अभी कोई सॉन्ग रिलीज हुआ सपोज मॉर्निंग में हुआ, तो शाम तक या कल टुमारो उसका सोचेंगे कि अगले दिन वो यूट्यूब पे कवर डालो ताकि हमारे को अच्छे व्यूज़ आएँ, ठीक है। तो उस जल्दबाजी में भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत लोगों से होती है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और बहुत लोगों से होती हैं, मैं किसी स्पेशली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, या मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोग ऐसा मत सोच रहे कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ या एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बस एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियोज़ जो देखना पसंद करते हैं, तो सिर्फ मैंने सोचा ये बनाई जाए वीडियो, ठीक है, तो जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गलतियाँ होती हैं, सबसे जुनून होता है, बट वो गलतियाँ फिर आदत बन जाती है। देखो कई बार क्या होता है, सबको गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, मैंने जब प्ले करना शुरू करा था तो मुझे गाइडेंस कहीं से नहीं मिली थी, मैं खुद से करता था, तो मैंने बहुत चीज़ें गलत प्ले करी है, मैं सच बताऊँ फैक्ट, मैंने शुरू में बहुत कुछ गलत प्ले करा है, मेरे को कुछ नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, और बहुत गलतियाँ थी, ठीक है, और वो गलतियाँ मेरी अभी तक हैं, मैं सच बताऊँ, मुझे अब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जब मैं थोड़ा जान रहा हूँ, या मैंने थोड़ी टीचिंग मतलब मैंने शुरू करा था कुछ टाइम पहले, मतलब जब मैंने थोड़ा सीखा था, फिर तब मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, यूट्यूब पे जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देखते सीखते हो, तो मैंने भी फिर यूट्यूब पे थोड़ा देखा, बहुत चीज़ें पता चली, ठीक है, फिर अब जाके मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए लेसन चलाने शुरू करे यूट्यूब पे,
ठीक है, तो देखो मैं उसी को देखते हुए बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा कि आप लोग गलत हो या जो लोग YouTube पे डालते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी करते हैं तो वो सही नहीं है। आप शुरुआत अच्छी करो तो एंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो खैर यही था यार आज के लिए, बाकी लेस इंस्ट्रूमेंट डालते रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लासेज में।